नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएस वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी आपकी प्रायद्वीपी भारत से यानी दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियाँ। देखिए, हिमालय से जो निकलने वाली हमें तीन नदियों के बारे में पढ़ना है। तीन नदियाँ कौन कौन सी हैं? आपकी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, और इनकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सिंधु नदी को कवर किया हुआ है, और सिंधु नदी में कहाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ शामिल हैं, सिंधु नदी में तंत्र में कौन कौन सी सहायक नदियों को हम शामिल करते हैं इनके बारे में, और कहाँ से निकलती हैं उनकी सहायक नदियाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, ये आपको ब्लैक कलर की जो लाइन है जहाँ माउस चल रहा है, ये आपकी सिंधु नदी है, और ये इनकी सहायक नदियाँ हैं जो रेड से ब्लू से, ये इनकी सहायक नदियां हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, सिंधु नदी सबसे पहले कहाँ से निकल रही है? सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट सानु खैबाब ग्लेशियर से निकलती है और पाकिस्तान में अरब सागर में गिर जाती है। पाकिस्तान में अरब सागर में गिर जाती है। और एक बात, सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में जम्मू कश्मीर से एंटर करती है और पाकिस्तान में अरब सागर में गिर जाती है। आपकी इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सहायक नदियों में हमने ये आपकी जो ये रेड लाइन है, रेड वाली लाइन, उसमें ये झेलम नदी है। झेलम नदी है, ये कहाँ से निकल रही है? ये जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर में आपकी बेरी नाक के निकट शेष नाग झील से निकलती है, और ये आपकी चिनाब से, चिनाब ये वाली जो रेखा है नीली कलर की, चिनाब से मिल जाती है। और जो चिनाब नदी है, ये आपकी कहाँ से निकल रही है? चिनाब नदी आपकी हिमाचल प्रदेश के बारह लाचला दर्रे से निकल रही है और ये यहाँ पे आके मिलेगी। ये कौन सी नदी है आपकी? यहाँ पे कौन सी नदी से मिल रही है? ये सतलुज नदी से मिल रही है। तो देखिए, सतलुज नदी कहाँ से निकल रही है? सतलुज नदी आपकी ये भी मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत के निकट ये भी मानसरोवर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से? रॉक्सताल नामक ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में रॉक्सताल नामक ग्लेशियर से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में ये इंटर करती है, रोहतांग दर्रे से इंटर करती है। दर्रे यानी माउंटेन पासेस होते हैं, वहां से ये प्रवेश करती है और ये आपकी सिंधु नदी से मिलती है। देखिए, इसकी एक ये है आपकी ब्यास नदी। ब्यास नदी है आपकी जो कि हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से जो निकलती है और यहाँ पे आके सतलज नदी से कपूरथला के जो निकट है, कपूरथला के हरिके नामक स्थान से, ये हरिके नामक स्थान पे आके मिल जाती है। और एक हरिके नामक स्थान पर एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हरिके नामक स्थान से एक बांध बनाया गया है, बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है पोंग बांध। उस बांध का नाम क्या है? पोंग बांध, पोंग बांध। इससे एक नहर निकाली गई है जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम सिंचाई सात राज्यों में, हम राजस्थान के सात राज्यों में सिंचाई के लिए सुविधा दी गई है। तो अब देखिए, इसमें एक रावी नदी है। रावी नदी कहाँ से निकल रही है? ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रोहतांग दर्रे से निकल रही है और आपकी किससे मिल रही है? चिनाब नदी से मिल रही है। कौन सी? चिनाब नदी से मिल रही है। और ये जहाँ पांच नदियां मिलती हैं, उन्हें पांच नदियों का समूह या पंज आब बोला जाता है। ये पहले आपका पाकिस्तान में था, तो ये पूरा हिस्सा जो बोला जाता था, ये पंजाब पहले भारत में था तो इसे पंजाब बोला जाता था। अब चूंकि ये पाकिस्तान में है तो अब इसे अलग नाम से दे दिया। और ये आपकी जो जहाँ पे मिलती हैं, ये कौन सा हिस्सा है? ये यहाँ पे जहाँ पे सब नदियाँ मिल रही हैं, ये आपकी मिठानकोट है जो कि पाकिस्तान में, मठानकोट या मिठानकोट है पाकिस्तान में है, जो कि वहाँ पे ये सब नदियाँ मिल जाती हैं। तो आपके देखिए स्क्रीन पे चल रहा होगा, झेलम नदी कहाँ से निकल रही है? जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकल रही है और कहाँ पे मिल रही है? आपकी चिनाब नदी से मिल रही है। फिर आपकी है चिनाब नदी कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश में बारह लाचला दर्रे से निकल रही है, ठीक है। और आपकी रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से, कांगड़ा जिले के निकट रोहतांग दर्रे से निकल रही है और किससे मिल रही है? चिनाब नदी से मिल, चिनाब से मिल रही है। फिर हिमाचल व्यास नदी कहाँ से ली? व्यास नदी ये वाली जो लाइन है आसमानी कलर की हमने ये दिखाई है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है और आपकी यही भारतीय में मिल जाती है, भारत में कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर मिल जाती है। और आपकी सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट रॉक्सताल से निकलती है और ये आपकी किससे मिलती है? सिंधु नदी से मिलती है। फिर हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, व्यास और सतलज पंजाब में कपूरथला के निकट हरके नामक स्थान में मिलती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपकी ये एक और चीज है, ये मिठानकोट जहाँ पे सब नदियां मतलब कि यहाँ पे मिल नहीं है, मिठानकोट ये पाकिस्तान में है, जो कि मठानकोट या मिठानकोट बोल देते हैं, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक
ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये आपकी कौन सी है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ये देखिए ये आपकी सिंधु नदी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये आपकी झेलम नदी है। और झेलम नदी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपका जो ये देख रहे हैं झेलम नदी के बारे में, ये झेलम नदी थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का भी काम करती है पाकिस्तान में। और झेलम नदी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सांप की तरह बहती है क्योंकि ये घाटियों से बिल्कुल तेजी से गिरती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो घाटी में बहुत सांप की तरीके गोखुर झीलें जैसे नहीं होती वैसे आपकी सांप की तरीके लहराते हुए बहती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। इसकी और भी अनेक अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे सोएक, सोएक हो गई और गिलगित हो गई, काबुल हो गई, वो पाक अधिकृत, पाक अधिकृत ये आपको हिस्सा दिख रहा है, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, तो उसमें उसमें बहती हैं मतलब की। और आपकी सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो देखिए सिंधु नदी लद्दाख और जौस्कर की पहाड़ी के बीच बहती है। सिंधु नदी लद्दाख, ये यहाँ पे लद्दाख की पहाड़ी जहाँ माउस मेरा चल रहा है, ये लद्दाख, ये जौस्कर की पहाड़ी है और इधर लद्दाख की है, उनकी पहाड़ियों को ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो आता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है वहां पर ये बहती है। और सिंधु नदी किसके किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी लेह के किनारे, लेह किसके, लेह किसके किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे झेलम श्रीनगर के किनारे बसी हुई है, मतलब झेलम श्रीनगर आपकी झेलम, झेलम के किनारे बसा हुआ है। और फिर आपकी कौन कौन सी नदियाँ आपकी बताई थी, सुवेक नदी, काबुल नदी, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, सुवेक सुवेक हो गई, काबुल हो गई, गिलगित हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी समझौते के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए सिंधु नदी समझौते में क्या है, सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत ये आप जो देख रहे हैं, ये सिंधु नदी और झेलम नदी और चिनाब नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इसमें क्या है कि भारत इसका जो 20% जल है, 20% जो जल है ये केवल भारत यूज कर सकता है और 80% जल ये पाकिस्तान यूज करता है। और ये आपका जो सतलज नदी है, व्यास नदी है और रावी नदी है, इसका भारत 80% यूज करता है जल और 20% जबकि पाक पाकिस्तान करता है, मतलब कि भारत यहाँ पे कोई हाइड्रो पावर भी लगा सकता है या नदियों की दिशा को मोड़ भी सकता है, ये भारत इस पे कर सकता है क्योंकि 80% अधिकार भारत के पास है और जबकि 20% अधिकार किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। और ठीक तीन नदियों जिसके पीछे है उसमें 20% किसका अधिकार है, भारत का, और पाकिस्तान का 80%। ये जो समझौता हुआ था ये 1960 में समझौता हुआ था, पाकिस्तान पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 में समझौता हुआ था। तो आपको ये 1960 में ये स्क्रीन में आपको चल रहा होगा, 1960 में समझौता हुआ था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही है, ठीक है, और इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, क्वेश्चन सेट को लगा लेंगे, तो उससे और भी हमारा जो नदियों वाला चैप्टर है बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। और आपको गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 1 से 2 दिन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।